शुभ सकाळ प्रथम खबर को स्वागत करुछु माधुरी प्रथमे हेडलाइंस एथलेटिक्स रे प्रथम स्वर्ण पदक जावलिन थ्रो इवेंट रे देश पई सुना आनिले नीरज चोपड़ा शुभेच्छा जणाइले प्रधानमंत्री कहिले सबु दिन पई मने रहिबो एही सफलता सेपटे रेसलिंग रे ब्रोंज आनिले बजरंग पुनिया टोकियो इतिहास रचिला भारत स्वर्ण पदक जितिबा परे नीरज को सह फोन जके कथा हेले प्रधानमंत्री भारत पई आनिथिबा गर्व और गौरव कथा कहिले मोदी चारिआड़ छुटिला शुभेच्छार सुअ नीरज कहिले भावि नथिली स्वर्ण जितिबे आज श्रीमंदिर चिता लगे अमावास्या नीति महाप्रभु लगि हेब रत्न चिता रत्न सिंहासन में अधिष्ठित श्रीजी को चिता लगि करे बाड़ग्राही दईता चितालागी नीति परे महास्नान बढ़ी अन्य नीति संपन्न हो राजधानी में डराउछि डेंगू कोरोना कमी नथिबा बेले मुंड पिंधार कारण पलटिलाणी डेंगू रोगी संख्या 850 डेला बीएमसी चेता पशु दुर्दशार अभिनेत्री मीरा महांती 70-80 दशकर अनेक हिट फिल्म में काम करते बारंबार गुहारी सत्वे मिलूनी सहायता कहले कलाकार को अणदेखा न करतु राज्य सरकार रोमांचकर स्थित में भारत इंग्लैंड प्रथम टेस्ट भारत सम्मुखें 209 रन विजय लक्ष्य रूट को शतक बुमराह 5 विकेट बढ़ाला रोमांच विजय लक्ष्य में विराट कोहली एवं नवागत रापर स्वर में नाचुची कोरापुट देशिया भाषा रे राप संगीत गाई चहल पकाइले राहुल खोसला रापर भावे आरंभ कर सफलतार यात्रा यूट्यूब रे वीडियो अपलोड कर साउतुछंते प्रशंसा आसो संपूर्ण खबर को टोकियो ओलंपिक्स रे भारत को मिलला प्रथम स्वर्ण पदक जावलिन थ्रो इवेंट रे देश पई स्वर्ण पदक आनी इतिहास रचिले नीरज चोपड़ा से द्वितीय भारतीय भावे ओलंपिक्स रे स्वर्ण जितिबा को सक्षम होइछते ए विजय सह भारतीय क्रीडा इतिहास रे जोड़ी होइछि आउ एक स्वर्णिम अध्याय नीरज स्वर्ण पदक हासिल करबा देश पई ऐतिहासिक मुहूर्त टोकियो रे इतिहास रचिला भारत एथलेटिक्स रे भारत को मिलिछि प्रथम स्वर्ण पदक जावलिन थ्रो इवेंट रे नीरज चोपड़ा जितिले स्वर्ण इतिहास रचिले भारतर सुना पुओ भारत स्वाधीनता पर स्वर्ण पदक हासिल करिवारे नीरज हेउचंती प्रथम आथलेट से केवल पदक जीति नांती बरंग देश पई स्वर्णिम इतिहास रचिचंती द्वितीय भारतीय भावे ओलंपिक्स रे स्वर्ण जीति नीरज या पूर्वरु शूटिंग रे अभिनव बिंद्रा भारत पई स्वर्ण जीतिथिले नीरज टोकियो रे इतिहास सृष्टि करिया सह भारतर 2012 मेडल टाली रेकर्ड को भी भांगी देखते प्रथम से 87.03 मीटर जावलिन फिंगीते यापर द्वितीय प्रयास रे से रेकर्ड 87.58 मीटर दूरता को जावलिन फोपाड़ी स्वर्ण पदक पक्का करते तृतीय राउंड रे 76.79 मीटर दूर जावलिन थ्रो करते भारत पे आनी सुना पदक टोकियो ओलंपिक्स रे स्वर्ण जीति इतिहास रचिंट नीरज चोपड़ा फ्लाइंग सिख भावे परिचित महान धावक मिल्खा सिंह को स्वर्ण पदक समर्पित करिसंती नीरज ओलंपिक इतिहास में आज भारत ने पहली बार इतिहास बनाया जहां एक और नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीता है इतिहास व्यक्तिगत रूप से भी बनाया और देश को भी सर्वाधिक मेडल जिताने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं शुभकामनाएं देता हूं 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है स्वर्ण पदक भी जीता है और आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं आज बहुत प्रसन्नता और हर्ष का विषय है कि भारत ने पहला गोल्ड जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता है पूरे देश के अंदर खुशी उल्लास है निश्चित रूप से चोपड़ा के कारण जो हमने गोल्ड जीता है उससे देश के नौजवानों को नई प्रेरणा मिलेगी ओलंपिक्स रे स्वर्ण जीती देश को गर्वित करिसंती
नीरज चोपड़ा तांको सफलता पाई सारा देश में खुशी लहरी खेली जा राष्ट्रपति आरंभ कर प्रधानमंत्री और बहु विशिष्ट व्यक्तिशेष शुभेच्छा जनई सेपटे हरियाणा स्थित नीरज को घर सम्मुखें उत्सवर माहौल सृष्टि होती पुअर सफलता पर नीरज को बापा गर्व अनुभव कर देशर स्वप्न को पुओ पूरण करीरज देश गौरव आनी खुशी व्यक्त करपा सतीश चोप्रा सेपटे स्थानीय लोके टीवी पर्दारे नीरज को प्रदर्शन देखा सह उत्साहित करते नीरज स्वर्ण पदक हासिल करने वंदे मातरम और भारत माता की जय ध्वनि प्रकंपित होता समग्र परिवेश हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो देश का सपना था वो हमारे बेटे के थ्रू पूरा हुआ है बहुत खुशी हो रही है। टोकियो रे स्वर्ण पदक जीती भारतीय एथलेटिक्स रे आउ एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ीचंती नीरज चोपड़ा नीरज का सफलता पर सारा देश में खुशी लहरी खेली जा ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। ओलंपिक्स रे नुआ कीर्तिमान स्थापन कले नीरज चोपड़ा नीरज को फोन करी सीधा सड़ख कथा होती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओलंपिक्स रे स्वर्ण पदक हासिल कर शुभेच्छा जनवास नीरज को प्रशंसा कर मोदी टोकियो ओलंपिक्स रे स्वर्ण पदक जीति देशपाई गौरव आनी नीरज चोपड़ा सह कथा होती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आथलेट नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो रे स्वर्ण पदक जितवा पर तांकु फोन करी शुभेच्छा जनाइथिले प्रधानमंत्री यही अवसर में नीरज का दक्षता को से प्रशंसा करने सह देशर गौरव बढ़ाई थिबारु धन्यवाद देथिले नीरज जो इतिहास रचिले ताहा सबुबले स्मरणीय होई रहइबो बोली कहिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ बस दो दिन का है वही ताकि बस ये मेरा लास्ट है सबसे लास्ट ये है कि मैं इंडियन पे तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना और तो बहुत खुशी की बात है बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज्यादा लोगों का तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे याद बुलाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर बहुत सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए अनेक मुसीबतें आई बीच में आपको चोट भी आई थी लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है जी। नहीं बहुत ही ज्यादा सर। टोकियो यात्रा पूर्वरु नीरज को सह कथा होइतिले प्रधानमंत्री नीरज को भितरे से दिन आत्मविश्वास भरी रही और तांको उपरे कौनसी प्रकार चाप नथिबा वार्तालाप समय रे मन पकाई देइतिले प्रधानमंत्री कठोर परिश्रम बल रे नीरज एही सफलता हासिल करितिबा कहिसंती प्रधानमंत्री एही अवसर रे नीरज को बापा और माँ को शुभेच्छा जनाइबा सह परिवार और देश पई या खुशी रो मुहूर्त बोली कहिथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। जो सबसे जरूरी था मेरे स्पोर्ट्स कैरियर का और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए। नहीं आपने आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं लेकिन आपने करके दिखाया है। और आप तो फौजी है
आप तो फौजी हैं इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आप ऐसे साथ इतनी खिलाड़ियों का और ऐसे मनोबल बढ़ाते रहिए। मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और देश को प्राउड फील करवाने के लिए। बिल्कुल, जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। स्वर्ण जीतवा परे सारा देशरु नीरज को पाई छुटीची शुभेच्छा और प्रशंसार सुअ। स्वर्ण विजय सह ओलंपिक्स रे भारत पाई नुआ जुगर आरंभ होईची। भारतर टोकियो अभियान रूपारे आरंभ होई सुनारे शेष होईची। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। नीरज चोपड़ा भारतीय सेनारे चारि राजपुताना राइफल्रे सुबेदार भाव काम करते। हरियाणार एक चाषी परिवार जन्म। स्वर्ण पदक जितवा पर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ट्वीट कर ओलंपिक्स नीरज स्वर्ण पदक जितवा गर्व और गौरवर कथा। ओलंपिक्स जन सच्चा सैनिक भली प्रदर्शन करीरज। भारतीय सेना समेत सारा देश ऐतिहासिक एवं गर्वर कथा बोली राजनाथ। सेपरि सीडीएस बिपिन रावत और सेना मुख्य एमएम नरवाणे नीरज चोपड़ा को शुभेच्छा जनाइछन्। एबे आसंतु नजर पकाइबा नीरज को करियर उपरे। 2016 नीरज साउथ एशियन गेम्स रे स्वर्ण पदक लाभ करथिले। सेपरि एशियन जूनियर चैंपियनशिप एवं विश्व यू 20 चैंपियनशिप रे से स्वर्ण पदक जीतिथिले। सेपरि 2017 एशियन चैंपियनशिप रे स्वर्ण पदक सह 2018 कॉमनवेल्थ रे एवं एशियन गेम्स रे स्वर्ण पदक जीतिथिले नीरज। तबे 2021 टोकियो ओलंपिक्स रे से स्वर्ण पदक जीति भारतीय क्रीडा इतिहास रे आउ एक स्वर्णिम अध्याय जोड़िछन्ते। टोकियो ओलंपिक्स रे रेसलिंग रे भारत को आउ गोटे पदक मिली। ब्रोंज पदक जीति देश पाई गौरव आनी स्टार रेसलर बजरंग पुनिया। 65 केजी वर्ग रे कजाकिस्तान रे रेसलर दौलत नियाज बेकव को परास्त करी से एही सफलता हासिल करिछन्ते। मैच आरंभ रु चमत्कार प्रदर्शन करथिले बजरंग। लगातार आक्रमणात्मक खेल जारी रखिबा सह से निजर स्कोर रे 2 पॉइंट लेखाए आर्ट करी चली थे। शेष में 8-0 मैच जीती देश पाई ब्रोंज पदक हासिल करते पुनिया। पदक जितवा पर हरियाणा समेत सारा देश में खुशी लहरी खेली जाइए। विभिन्न महलर तक निकट को शुभेच्छार सुअ छुटी। एबे आसंतु नजर पकाइबा पदक तालिका उपरे। विशेषकर पदक तालिकारे केउ कौन शीर्षरे रही से उपरे नजर पकातु। पदक तालिकारे शीर्षरे रही चीन। सेपरि भारत को गोटे स्वर्ण, 2 रौप्य सहित ब्रोंज, 4 सहित मोट 7 जहाँ रही आप देखुं मोट 7 पदक हासिल कर भारत और सबुठ रही सर्वशीर्षरे रही चीन, जो थे कि स्वर्ण पदक 38 रही, रौप्य 31 रही, 18 ब्रोंज सहित 87 मोट रही जहाँकि शीर्षरे स्थान कर। आज श्रावण अमावास्या उपलक्षे श्रीमंदिर में चिता लागी अमावास्या नीति अनुष्ठित हेबो। आज महाप्रभु को रत्न चिता लागी हेबो। महाप्रभु श्री जगन्नाथ को हीरा चिता, प्रभु बलभद्र को नीला चिता एवं देवी सुभद्रा को पाना चिता लागी हेबो। भोग मंडप नीति शेष होगा पर रत्न सिंहासन श्रीदेवी और भूदेवी खट सेज घर को विजय करिथांती। यहापर श्रीजू मानक झोबा मैलम हो जय विजय द्वार बंद होता है। एही दिन सागर विजय करिथिबा अमावास्या ठाकुर श्रीमंदिर को बाहुड़ा विजय करिबा परे पति महापात्र बाड़ग्राही दईता माने रत्न सिंहासन
अधिष्ठित श्रीजीवंकर चिता लागि कार्य करिथांते। स्नान पूर्णिमा दिन रात्रि रे श्रीजीव मानंक श्रीकपाल देशरो एही सुवर्ण चिता को ओलाखी करा जायथाय। रथयात्रा दिन महाप्रभु को सोलो चिता लागि करा जायथाय। तेब आज एही सोलो चिता को ओलाखी करि रत्न चिता लागि करा जेबो। ए बाबतर अधिक सूचना पाई आम सहित आम पूरी रिपोर्टर आलोक आशुतोष जोड़े रही। आलोक, विशेषकर ये नीति निर्घंट केत रही, निर्धारित समय कौन रही, विशेषतः आम भाव जानक चाहबू कौन कौन नीति रही, कौन कौन नीतिकांति रही। निश्चित भाव में माधुरी, आज बड़ पवित्र अनन्य दिन टे, कारण आज श्रावण अमावास्या तिथि महाप्रभु चितालागिया अमावास्या चितालागी नीति आज श्रीमंदिर अनुष्ठित हेब। आपण जानते पवित्र स्नान पूर्णिम महाप्रभु श्रीमस्तकु सुवर्णर चिता को ओलागी कराइला। रथयात्रा समय महाप्रभु सोलो चिता परिधान करते, किंतु आज महाप्रभु पुनर्बार सुवर्ण चिता परिधान करेंगे। आम विस्तृत भाव आलोचना करवा। आम सहित जगन्नाथ संस्कृति गवेषक जोड़ी। निश्चित आज गोटे अनन्य दिन, आज गोटे बड़ पवित्र दिन, कारण आज श्रावण अमावास्या, आज चितालागी अमावास्या। आज महाप्रभु सुवर्ण मस्तकरे सुवर्ण चिता परिधान करेंगे। केते बेले नीतिकांति हम ए सुवर्ण चितार कौन रही महत्व? चिंता चित्ता दयर मध्ये चिता एव गरियसी। महाप्रभु आज सुवर्ण चिता धारण करिवे, जे कि महाप्रभुंकर दीपर धूप सरी सल्ला परे जय विजय द्वार बंद हो जाए। जय विजय द्वार बंद हेला परे महाप्रभुंकर जो दैतापति सेवक माने से स्वतंत्र भाव में ओष प्रस्तुत करिथांती। से ओष साहय महाप्रभुंकर सुवर्ण चिता, जे कि महाप्रभु बलभद्र मध्ये चिता धारण करती, सुभद्रा मध्ये चिता धारण करती, किंतु एया जे महाप्रभु बलभद्र धारण करती, माणिक्य आउ पन्ना धारण करती सुभद्रा, आउ महाप्रभु स्वयं भावरे जगन्नाथ हीरा धारण करिथांती। जो हीरा धारण कले तंकर सात फेरावेद मध्य अच्छी, हीरा लीला माणिक्य मध्य भितर खंजा होता है, छोट छोट किंतु हीरा खंजा होता है, जे कि बड़े भावरे मध्य भागरे खंजा होता है। से ही भावरे बलभद्रंकर मध्य माणिक्य खंजा होता है, जे कि नेली कलर, आउ महाप्रभु बल सुभद्रांकर कौन होता है, लाल कलर खंजा होता है। यही जो खंजा हबार तात्पर्य ही कुजे महाप्रभु आज कौन करती ना चितौ चिता लागी होता है। महाप्रभुंकर जेतेबेले कौन हो जाए संपूर्ण नीतिकांति सरी सरला परे दैतापति माने प्रवेश करती, आउ पति महापत्र से संस्कार पूर्वक महाप्रभुंकर अंगरे लागी करिबा पई दैथांती। आउ से जो लागी हेला परे परे मध्य महाप्रभुंकर यात्रांगी महाप्रभु जेहेतु महास्नान होइतांती, महास्नान परे परे अन्यान नीति बढ़िता है, अन्यान नीति परे परे मध्य महाप्रभु जेहेतु आज चितौ अमावास्या, सेतिपई अमावास्यार एक अन्यान नीति अछि, जे कि पिठा मध्य लागी होइथाय। परंपरा अनुसार घरे घरे मध्य चितौ पिठा प्रस्तुत करा जाय थाय, जे कि चितौ पिठा घरे घरे मध्य प्रस्तुत होइथाय, जे कि जे कृषि जातीय जेहेतु आमर ओडिसा जाति सेतिपई कोन करंती, समस्तंक घरे घरे से पिठा हेसल्ला परे समस्तंक गेंडा कुचिया को मध्य देइथांती। आउ समस्तंकर केमिति अक्षुण्ण रहु, केई कि नकाटंतु ता बापा को नकाटंतु, सेई उद्देश्य रे नै कि पोखरी रे आउ नदी मानक रे देई कि एया डाकी थांती। निश्चित माधुरी, बड़ अनन्य परंपरा रहिछि, कारण आपण जानिछन्ती महाप्रभु को स्वतंत्र नीतिकांति बेस नियारा रहिछि। जेहेतु आज पवित्र चितालागी अमावास्या, आज महाप्रभु श्रीमस्तक हीरा चिता परिधान करिवे, बड़ भाई बलभद्र नीला चिता परिधान करिवे, एवं देवी सुभद्रा पाना चिता परिधान करिवे। निश्चित मध्याह्न धूप परे दत्त महापात्र सेवायत एवं कहीपरिया दैतापति सेवायत मैंने रत्न सिंहासन उपर चढ़ी महाप्रभु नीति संपादित करिवे। अन्यपटे आपण जानिछन्ती रथयात्रा दिन महाप्रभु को सोलो चिता लगी थाए, आज ताक परिवर्तन करा जिवो ठीक समय नीतिकांति सहित नीतिकांति अनुष्ठित हो। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आशुतोष आपंकर तमाम सूचना। परवर्ती खबर को राजधानी में डराउछे डेंगू, सहर में कोरोना कमी नथिबा बेले एबे डेंगू मुंड विधार कारण पलटिछे। गतकाली आउ 46 जन डेंगू रोगी चिन्हट हेबा परे भुवनेश्वर में डेंगू रोगी संख्या 877 को वृद्धि पाइछे। प्रतिदिन डेंगू रोगी संख्या वृद्धि पाउथिबा बेले एबे बे बीएमसी रो चेता पसेने, विभिन्न सरकारी कार्यालय रे पानी जमी रहुतिबारु एहा डेंगू मशा पाई सबुठू निरापद स्थान पलटिछे। हेले दुई दिन चढ़ाव करी चुप बसी पड़ी बीएमसी। ए बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित आम भुवनेश्वर रिपोर्टर कविता स्वाई जोड़े रही। कविता, दिन पर दिन गड़ी चली, आम देखुचु कोरोनार भय समस्त मनरू लिभिना, किंतु डेंगूर चिंता समस्त मुंड को पशिच्छी।
प्रत्येक दिन आमे देखुचु राजधानी अनेक डेंगू रोगी चिन्हट होती सबू भितर बीएमसी पक्षर कौन से व्यवस्था करागलानी कि नहीं भावे माधुरी जदि कह कि वर्तमान कोरोना गोटे पटे रही बेले अंपटे रही डेंगू कोरोना संख्या दिनक दिन कमुला बेले डेंगूर संख्या बढ़ुची जहाँकि वर्तमान बीएमसी और राजधानीवासी चिंता बढ़ाई जदि कह गत 46 जन डेंगू रोगी चिन्हट होती सर्वमोट एवं 877 जन राजधानी डेंगू रोगी चिन्हट है जदि कह कि पूर्वर जितेबाला ज्वर होता लोक मैंने जापार नाने कोरोना ट्रिटमेंट हे ना डेंगूपाई एवं जितेबाला समस्त सामनाक आसी सचेतन करूँ बीएमसी गोटे दुई दिन चढ़ाव करागला समस्त घर द्वार पाखक जाकि बुझागला सचेतन करागला किंतु एबे जो भली भाव में विशेष भाव में किचन गार्डन जो मैंने छात उपर किचन गार्डन करूँ जदि कह छात उपर कौन जिनस जमिक रोचे तापर गुरुत्व देवा दरकार से गुड़ाक नष्ट दरकार कहीं स्वच्छ एवं जो धीर पाने ही डेंगू वंशवृद्धि कर सुजोग मिलता है सहज होता है आम कहीपर ता सहित जो भाई भाव में व्यापक बंदोबस्त करने दरकार वर्षा दिन आसवा पूर्व बीएमसी कड़ा पदक्षेप नवा दरकार से सब तो निजाए ना जितेबाला वर्तमान नियंत्रण बाहर को गला डेंगू कि समय रही कि सुधार आने नियंत्रण आने डेंगुरे कि वर्तमान भी खाली केवल सचेतन कर प्रचार करूँ प्रचार व्यतीत जमी नियंत्रण केमी आसपुर गुरुत्व न देखी बीएमसी केवल प्रचार में अटकी जाए कहींपर कहीं हजार आड़क गति कला डेंगू रोगी संख्या बर्तमान जो जो आरंभ होता डेंगू शैलेश्वर विहार कथ कह नीलाद्री विहार कथ कह विशेष बस्ती अंचल को डेंगू रोगी संख्या चिन्हट है जदि से ही जगह मानक बर्तमान पर्यटन टेस्टिंग व्यवस्था को बढ़ा जाए ना बर्तमान जब टेस्टिंग बढ़ा जाता से जगह ताले जना पड़ता एतिक जो डेंगू 40-46 आसुचे अधिक संख्यक डेंगू रोगी चिन्हट हो पारे टेस्टिंग आहुरी बढ़ा जावा दरकार कि सब भितर सठिक समय पूर्व बीएमसी पक्षर कहीं लोक सचेतन करागला ना सेटा था प्रथम कारण कि जितेबाला बर्षा दिन आसे ता पूर्वर ही प्रिकसन नवा दरकार कि डेंगू डेंगू आसुची एवं डेंगू पाई कौन प्रिकसन नवा दरकार जमीक मशा धूआ व मशा तेल पकाइबा तार व्यवस्था करवा दरकार सफेई कार्यक्रम करवा दरकार परिष्कार परिच्छन रखा दरकार बस्ती अंचल को कितु ताला जेहेतु कोरोना समस्त को डराउला डेंगू कथ समस्त भूली जाते जितेबाला गोटे पर गोटे डेंगू रोगी चिन्हट है से बीएमसी चिंता पशिला मुंडे एवं सचेतन कार्यक्रम कर बसी जाइए बीएमसी सहित जदि कह कि जो टेस्टिंग कथा जमी आप कहले कि टेस्टिंग रो आवश्यकता रही जदि टेस्टिंग करा तबे आहुरी डेंगू रोगी चिन्हट हे अनेक लोक बस्तीवासी कहतु बा जो नीलाद्री विहार शैलेश्वर विहार अनेक आदिवासी मैंने दाबी करते कि आम सहरांचल टेस्टिंग सहरांचल टेस्टिंग कहीं प्रशासन पक्ष ढिलापण देखा दे जो कि संख्या धीरे धीरे बढ़ी चली जदि एवं सचेतन न हो आग को संख्या आहुरी ढेर अधिक बढ़ आहुरी लोक संक्रमित कर धनपात आम रिपोर्टर कविता स्वयं आम सत्य जोड़ रही है आसिया परवर्त खबर को नटिंग होम ट्रेट ब्रिजे चली भारत इंग्लैंड प्रथम टेस्ट रोमांचकर स्थित पहुंची प्रथम पाली में 95 रन अग्रणी नहीं टीम इंडिया सम्मुखें 209 रन टार्गेट रखी घर इंग्लैंड द्वितीय इनिंग्स रे अधिनायक जो रूट का शतक बल में 303 रन कर ऑलआउट हो जाए इंग्लैंड भारत पक्षर जसप्रीत बुमराह जबरदस्त बोलिंग करी 5 विकेट नहीं सेपटे चतुर्थ दिन स्टंप अपसारण बेलू भारत गोटे विकेट हर 52 रन संग्रह कर विजय पर भारत को आउ 157 रन आवश्यक रही समय सर बुलेटिन को ये रखुच नमस्कार।